हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कोई रिपेयरिंग करने जाते हैं तो उसका जो आईसी वगैरह ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, सिग्नल आउटपुट कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप चाहिए, क्योंकि मल्टीमीटर जो है उतना फास्ट नहीं होता है, हाई स्पीड सिग्नल को ये मेजर नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी मल्टीमीटर हो। तो दोस्तों, ये जो है ऑसिलोस्कोप बहुत ही महंगा आता है, तो इसको आप लोग खरीद नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप बिगिनर है, आपका शौक है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कोई इनकम नहीं है, आप ये सब नहीं खरीद सकते। तो इसलिए मैं आज एक एफिशिएंट तरीका बताऊंगा, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज करके बहुत ही कम प्राइस में आप कैसे एक ऑसिलोस्कोप बना सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको चाहिए एक रेसबेरी पाई पिको बोर्ड, ये 350 जैसा दाम है इसका। इसको यूज करके हम लोग रेसबेरी पाई पिको ऑसिलोस्कोप बनाएंगे। तो ऐसा गूगल में सर्च करेंगे तो गिटहब का एक पेज आएगा, उसमें आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे ये करना है। तो देखिए, यहाँ पर स्कोप पाई नाम का कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, तो ये चीज़ कैसे काम करती है सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एंड्रॉयड की एक ऐप मिलता है, एंड्रॉयड के साथ ये पेयर हो जाती है। और दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर एक फाइल मिलता है, इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, अब इस फाइल को हमारा पिको बोर्ड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पिको बोर्ड में जो स्विच है, इसको दबा के आप लोग यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो एक ड्राइव जैसा खुल जाएगा आपका कंप्यूटर में। अब वो जो फाइल आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर पुट करना है। तो इस ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना, ये प्रोग्राम करना इतना ही सिंपल है। जस्ट इस वाली फाइल जिसको आपने डाउनलोड किया उसको जस्ट आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है पिको की जो फोल्डर खुला उसमें। अब ये LED जो है चालू बंद होता रहेगा। तो आप सोचना कि ये चीज़ आपका प्रोग्राम हो गया, अब हमें एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है। तो स्कोप पाई नाम का ऐप जो है हम लोग प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। ये दोस्तों ऐप एंड्रॉयड मार्शमेलो के ऊपर की वर्सन में सपोर्ट करेगा, मार्शमेलो और उससे ऊपर की, मतलब लॉलीपॉप तक सपोर्ट नहीं करता है। तो लॉलीपॉप तक आपका अगर फ़ोन है तो ये जो है ऐप नहीं दिखाएगा प्ले स्टोर में, मार्शमेलो या फिर उससे ज़्यादा की वर्सन की फ़ोन में ये आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये लगभग बहुत ही छोटा ऐप है, 2 पॉइंट समथिंग MB का। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लिया, अब इसको ओपन करेंगे। ओके, तो इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की कुछ एक इंटरफेस खुलेगा। तो ये एक DSO जैसा इंटरफेस खुला, जैसे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होती है। तो इस तरह का जो कंट्रोल वगैरह यहाँ पर है, तो रन स्टॉप का भी फीचर है, मतलब एक बार आप सिंगल शॉट लेके उसको बाद में एनालाइज कर सकते हैं। और टाइम डिवीज़न वगैरह, वोल्टेज डिवीज़न, वर्टिकल और ट्रिगर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, कंट्रोल वगैरह। ओके, और नीचे देखिए आपको चैनल मिलता है, चैनल 1 तो आपको फ्री मिलता है, चैनल 2 के लिए इस ऐप का प्रीमियम को खरीदना पड़ता है। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि जिसने बनाया बहुत मेहनत किया होगा तो उसको हम लोग थोड़ा सा पे कर ही सकते हैं। अब दोस्तों, डेमो में आपको एक सिग्नल मिल जाता है, उसको लेके आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस फ़ोन में डेमो सिग्नल नहीं आ रहा है, मेरा दूसरा फ़ोन में आता है। अब दोस्तों, इसमें हम लोग पिको को कनेक्ट करेंगे USB OTG यूज करके। ओके, तो इस तरह का एक OTG अडाप्टर लगा देंगे। अडाप्टर को लगाने से ही ये जो डायलॉग आएगा इसको आप लोगों को ओके करना है। उसके बाद ऑसिलोस्कोप का जो फ्लैट लाइन है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सिग्नल फीड करेंगे तो ये वैल्यू दिखाएगा, लेकिन कौन सी पिन में देंगे सिग्नल। तो देखिए, यहाँ पर GP26 नाम का एक पिन है, वो है चैनल 1, GP27 है चैनल 2। तो देखिए, GP26 में हाथ देने से कुछ सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पर एक और पिन मिलता है GP22, उससे एक 1 kHz की सिग्नल आउटपुट होती है। तो उसको अगर हम लोग एक 1 kΩ रेजिस्टेंस GP26 के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको एक स्क्वायर वेव मिल जाता है, बहुत ही क्लीन 1 kHz की। तो ये जो है टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, कोई भी ऑसिलोस्कोप में एक टेस्ट सिग्नल आउट होता है, तो इसमें भी ऐसा आउट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ सिग्नल हम लोग इसमें देते हैं तो ये दिखाता है या नहीं, और दिखाता है तो कितना kHz तक ये दिखाता है, मतलब कितना स्पीड है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ सर्किटरी बनाना पड़ेगा इस पिको के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक 100 kΩ के रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग GP26 में लगाएंगे इस पिन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप गलती से अगर ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं 3.3 वोल्ट से ज़्यादा तो ये पिको ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक रेजिस्टेंस के अंदर से देंगे तो ये सिग्नल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जस्ट आपका जो प्रोटेक्शन है वो ऑफर करेगा उस पिन में। उसके बाद दोस्तों, हम लोग 2 1 kΩ के रेजिस्टेंस लेंगे, ये भी क्यों बताता हूँ थोड़ी देर में। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को इस तरह से हम लोग काट लेंगे दोनों ही साइड से, और इन दोनों को हम लोग बोर्ड के साथ लगाएंगे, एक को 3.3 वोल्ट में और एक को ग्राउंड में लगाएंगे। और इन दोनों का जो दूसरा हिस्सा है उन दोनों पिन को कनेक्ट करके इसमें हम लोग ग्राउंड देंगे, जो बाहर से सिग्नल देंगे उसका ग्राउंड इसमें लग जाएगा, डायरेक्टली पिको के ग्राउंड में नहीं लगेगा, क्योंकि रेस्पबेरी पाई पिको 0 से 3.3 वोल्ट तक की सिग्नल ले सकता है। तो हम लोगों को माइनस सिग्नल भी मेजर करना पड़ सकता है, -2 वोल्ट -3 वोल्ट। तो इसलिए हमें जो है ग्राउंड को
थोड़ा सा मिडिल की वोल्टेज में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ग्राउंड को इस तरह से बनाया। देखिए आपको अभी टेस्ट दिखाऊंगा, ये एक फंक्शन जनरेटर है, इससे हम लोग एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं ट्राइंगुलर वेव, तो प्लस वाली लाइन को हम लोग कनेक्ट कर दिया। अब जो फंक्शन जनरेटर का ग्राउंड है उसको पिको के ग्राउंड में देंगे, तो ये देखिए कटा हुआ सिग्नल आ रहा है, मतलब कि आधा हिस्सा आ रहा है, नेगेटिव हिस्सा नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग जो वर्चुअल ग्राउंड बनाया 2 1 किलो ओम रजिस्टर से, उसमें देंगे तो देखिए पूरा सिग्नल आ चुका है, तो इसीलिए मैंने उस वाली सिस्टम को बनाया। ओके, अब देखिए ये काफ़ी क्लीन हमें वेब मिलता है, तो इसका जो कंट्रोलिंग वगैरह ये सब अच्छे से हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा कर देखेंगे कितना तक तो ये ले सकता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ये DSO 138 से भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मेरा ओपिनियन में, तो ये खर्चा भी कम है और अच्छा भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 390 किलोहर्ट्ज़ जैसा एक सिग्नल दिया, लेकिन ये उसको नहीं मेजर कर पा रहा है, तो इसलिए इसका जो बैंडविथ है इससे नीचे की सिग्नल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका बैंडविथ है 250 किलोहर्ट्ज़। ओके, ये मैक्सिमम है, तो ये देखिए ये 150 किलोहर्ट्ज़ जैसा दिया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो वेब फॉर्म है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि ये इसका लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहाँ पर क्या क्या लिमिटेशन आ रही है। तो देखिए 211 किलोहर्ट्ज़ हमने इनपुट दिया, तो इसका जो वेब फॉर्म है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखिए 211 किलोहर्ट्ज़, मतलब कि 250 किलोहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी सही दिखाता है। अब देखिए 250 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की कोई वेव देंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये सही नहीं दिखाता है, गलत फ्रीक्वेंसी दिखाता है, तो 250 किलोहर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसी जो है ये सही सही मापेगा। और दोस्तों वेब फॉर्म कितना तक तो ठीक दिखा सकता है, तो देखिए लगभग 100 किलोहर्ट्ज़ का एक सिग्नल दिया, तो इसका वेब फॉर्म समव्हाट एक्सेप्टेबल है, मतलब कि 100 किलोहर्ट्ज़ तक एक्सेप्टेबल वेब फॉर्म ये दिखा सकता है, और उससे ज़्यादा में वेब फॉर्म थोड़ा सा ग्लिच आ जाती है वेब फॉर्म में, उतना अच्छा नहीं दिखाता है। और दोस्तों इस ऐप के साथ साथ आपको डिजिटल लॉजिक एनालाइजर भी मिलता है, और उस गिटहब का पेज में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वहाँ से मिल जाएगा, मैंने शूट करने टाइम ये भूल गया था तो शूट नहीं हुआ ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो पिको है ये ओनली 3.3 वोल्ट तक इनपुट ले सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हाई वोल्टेज की सिग्नल मापना है तो कैसे करेंगे, मानिए कि आपको 100 वोल्ट पिक टू पिक सिग्नल मापना है तो कैसे करेंगे इससे, ये तो ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने जो 100 किलो ओम रेजिस्टेंस उस GP26 पिन में लगा दिया, तो ये ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन ये माप नहीं पाएगा, सिग्नल कट जाएगा, इसलिए मैं एक सर्किट प्रपोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है एक प्रपोज्ड सर्किट, इसमें देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है जो इस वी इन वोल्टेज को 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वी इन आप लोग यहाँ पर देंगे पॉजिटिव, मतलब कि बाहर से जो सिग्नल दे रहे हैं उसका पॉजिटिव यहाँ पर देंगे, और नेगेटिव जो है इस पॉइंट पे दे देंगे। ओके, उसके बाद 3 रेजिस्टेंस रहेगा, 900 के, 90 के और 9 के। ओके, इससे क्या होगा, ये 3 रेजिस्टेंस मिल के एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा। वी इन जहाँ पर दिया वहाँ पर आपको पूरा फुल सिग्नल मिलेगा, अगर यहाँ पर आप लोग 100 वोल्ट दिया तो इस पॉइंट में 100 वोल्ट ही मिलेगा, इस पॉइंट में 10 वोल्ट मिलेगा, और इस पॉइंट में आपको 1 वोल्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट, इस तीनों पॉइंट से 3 तार आके यहाँ पर एक रोटरी स्विच में जाएगा, रोटरी या फिर कोई भी सिलेक्शन स्विच में जाएगा। ओके, जहाँ पर 3 सिलेक्शन के ऑप्शन हो, तो ये स्विच जो है ऊपर में रहा तो ये फुल वोल्टेज को यहाँ पर भेजेगा। ओके, तो ये 100 वोल्ट को भेज देगा यहाँ पर, लेकिन इससे GP26 की जो पिन है या फिर IC है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 के एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। फिर भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर दे के इसको इसमें दे, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको इस पॉइंट में देते हैं तो 10 वोल्ट इसमें आएगा, तो वो भी 3.3 से ज़्यादा है। और हम लोग यहाँ पर जो 1 के दोनों लगाकर एक वर्चुअल ग्राउंड बनाया इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट लगभग 1.6 वोल्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 1.6 वोल्ट में इसका ग्राउंड है, तो ये प्लस 1.6 और माइनस 1.6 तक इनपुट ले सकता है, मतलब टोटल का रेंज जो है वो 3.3 है, तो ये 1.6 वोल्ट तक मैक्सिमम मेजर कर सकता है, तो ये 10 वोल्ट जा रहा है, इससे भी मेजर नहीं कर पाएगा, तो इसको इस पोजीशन में देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हुआ है तो ये 1 वोल्ट यहाँ पर जाएगा, तो ये उसको माप पाएगा, सिग्नल नहीं कटेगा। तो हम लोग जो डिस्प्ले में वोल्टेज देख रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन तब 100 में रहेगी, तब हमें पता चलेगा कि ये वोल्टेज कितना है। तो इस तरह से ये जो वोल्टेज सिलेक्शन काम करेगा, तो इसके लिए आप लोग एक रोटरी स्विच यूज कर सकते हैं या फिर इस वाली स्विच को यूज कर सकते हैं। इसमें 2 चैनल है, 2 चैनल में 3 सिलेक्शन की ऑप्शन रहती है, 4 पिन रहती है, ये मिडिल पिन एक और 3 सिलेक्शन रहती है, तो इस तरह की स्विच को आप यूज कर सकते हैं, 2 चैनल के लिए ये काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 900 के जो है ये रेजिस्टेंस या फिर 90 के या फिर 9 के रेजिस्टेंस, ये सब अच्छे से मिलता नहीं है मार्केट में, इसलिए आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं, देखिए 1 मेगा ओम और 10 मेगा ओम को पैरेलल करेंगे तो 900 के बन जाएगा, 1 मेगा ओम और 100 के को पैरेलल करेंगे तो बन जाएगा 90 के। इस तरह से आप लोग 9 के मल्टीप्लीकेशन में जो रेजिस्टेंस है ये सब बना सकते हैं।
या फिर अगर आपको ये 10 MΩ रेजिस्टेंस नहीं मिला तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 100K 1 M देके ऊपर वाला हिस्सा बनाया और उसके बाद 10K 100K उसके बाद 1K 10K, तो इससे भी काम करेगा, लेकिन इससे आपका इम्पीडेंस जो है ये कम हो जाएगी। इम्पीडेंस क्या होती है, जहाँ पर आप लोग सिग्नल माप रहे हैं उस सिग्नल का जो पॉजिटिव है यहाँ पर लग रहा है, नेगेटिव जो है यहाँ पर लग रहा है, तो उस सिग्नल की जो सोर्स है मतलब जहाँ से वो सिग्नल आ रहा है वहाँ पर एक लोड डाल रहा है, देखिए इस रजिस्टर के थ्रू। तो ये लोड कितना है, 900 + 90 + 9, ये होता है लगभग 1 MΩ के आसपास। ओके, तो 1 MΩ रेजिस्टेंस में ये जो है लोड डाल रहा है, तो ये यहाँ पर इम्पीडेंस ऑफर करेगा 1 MΩ, तो इससे जो है उस सिग्नल सोर्स से ज़्यादा करंट ये नहीं खींचेगा। लेकिन जब आप लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे तो इम्पीडेंस आपका 10 गुना कम हो जाएगी, 100 kΩ इम्पीडेंस हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये जो है आपका जो सिग्नल सोर्स है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोड डालेगा। तो अगर आपका सिग्नल सोर्स बहुत ही वीक है तो ये लोड डालने से उसका वोल्टेज कम हो सकती है, तो इसलिए ये कम इम्पीडेंस वाली चीज़ जो है उतना अच्छा नहीं है, हाई इम्पीडेंस वाली चीज़ अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रहा तो क्या करें, कम इम्पीडेंस लेके ही काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। इस तरह के ऑसिलोस्कोप आप बना सकते हैं, इसका जो लिंक है जो प्रोडक्ट परचेज लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है, गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ फ्रेश एंड न्यू आइडिया।